दोस्तों नमस्कार, जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, झारखंड के अलग अलग जिलों से, अलग अलग ब्लॉकों से नया नया वैकेंसी की अपडेट निकल कर आई है। इन सभी वैकेंसियों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को दोस्तों आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको बता दिया जाएगा कि किस तरह से आप फॉर्म भरेंगे, क्या पोस्ट निकल कर आई है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सारी जानकारी मिलेगी दोस्तों इस वीडियो में। तो वीडियो को दोस्तों आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर लेटेस्ट वैकेंसियों की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहती है। तो दोस्तों देखिए, नया वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। झारखंड के सिमडेगा जिला से वैकेंसी है, समरनालय सिमडेगा की तरफ से वैकेंसी निकाला गया है। और जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं किसी भी जिला से, इस फॉर्म को आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो पोस्ट है देखिए, अधीक्षक के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है यानी पीजी किए हुए दोस्तों, तो आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। 28,755 रुपये पेमेंट दी जाएगी। गृहपति के लिए देखिए, 16,188 रुपये पेमेंट मिलेगी। ग्रेजुएशन की डिग्री किए हुए हैं तो इस फॉर्म को आप आवेदन कर सकते हैं। परामर्शी पोस्ट के लिए देखिए, 31,311 रुपये पेमेंट मिलेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री किए हुए हैं सामाजिक विज्ञान से या फिर देखिए मनोविज्ञान से, तो आप इस फॉर्म को आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप कैसे फॉर्म को भरेंगे, एज लिमिट क्या मांगी जा रही है, तो आपको यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है। तो एज आपका जो है 1/8/2024 के अनुसार कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। जनरल वालों के लिए देखिए, अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग के लिए देखिए 37 वर्ष है। महिला कैंडिडेट अनारक्षित यानी जनरल वालों के लिए देखिए 38 वर्ष है। अनुसूचित जाति जनजाति महिला पुरुष दोनों के लिए देखिए यहाँ पर जो है 40 वर्ष तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म आपको ऑफलाइन तरीके से भरनी है। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको देखिए मतलब सेल्फ अटेस्टेड करके, जेरोक्स करके आपको जो है देनी है। 16 अगस्त तक आपको जो है फॉर्म भर के सेंड कर देनी है। दोस्तों ये रहा एड्रेस, देखिए इस एड्रेस पर देखिए आपको जो है फॉर्म भर के भेज देनी है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड करनी है। फॉर्म का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों देखिए, नया वैकेंसी की नोटिफिकेशन है और यह नोटिफिकेशन कार्यालय जिला जल छाजन प्राकोष्ठा सह आंकड़ा केंद्र सिमडेगा से निकल कर आई है यह वैकेंसी। डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है, तो आप जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आप लोगों से जो मांगी जा रही है, आप BCA किए हुए हैं तो इस फॉर्म को आप आवेदन कर सकते हैं, अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक वर्ष का जो है डिप्लोमा कोर्स आपके पास होनी चाहिए। साथ में दोस्तों ये भी आप लोगों से मांगी गई है, 2 वर्ष का जो है हिंदी एवं अंग्रेजी में टंकन का अनुभव मांगा गया है, जो कि टंकन की गति 30 से 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। देखिए उम्र सीमा जो है इंटरव्यू की तिथि को 40 वर्ष तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम एज लिमिट आप लोगों से जो रखा गया है आप लोगों का 40 वर्ष है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, सभी उम्मीदवारों को जो है बायोडाटा के साथ मूल प्रमाण पत्र का छाया प्रति, राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित कार्यालय अवधि पूर्वान्ह 10:30 बजे से 4 बजे तक, 4 अगस्त से 14 अगस्त तक WCDC कार्यालय अथवा apply.rdd.jharkhand.gov.in पर समर्पित कर सकते हैं। तो अपना डॉक्यूमेंट्स जो है ऑनलाइन भी भर सकते हैं या फिर देखिए WCDC कार्यालय पहुंच करके आप वहां पर भी जा करके अपना आवेदन को समर्पित कर सकते हैं। 4 से 14 अगस्त तक आपको जो है समय दिया गया है। दोस्तों देखिए, झारखंड के लोहरदगा जिला से वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी की गई है। यहाँ पर सरकारी शिक्षक की बहाली है। 10 अगस्त तक आप जो है फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन दोस्तों, किसी भी तरह का आपका जो है परीक्षा नहीं ली जाएगी इसमें। देखिए अलग अलग स्कूलों में वैकेंसी निकल कर आई है, यहाँ पर देख सकते हैं स्कूलों का लिस्ट है दोस्तों। कुल मिलाकर 13 पदों की वैकेंसी है, अलग अलग विषयों का भी देखिए यहाँ पर जो है शिक्षक की बहाली है। ठीक है, कुल रिक्त यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं 13 पोस्ट है, जिसमें से जनरल में 8 पोस्ट है और अनुसूचित जनजाति में 5 पोस्ट है। ठीक है, तो जिस कैटेगरी के यहाँ पर देखिए पोस्ट नहीं है वो जनरल में फाइट कर सकते हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा, यह पूर्ण दोस्तों अस्थायी रूप से सिलेक्शन की जा रही है, यानी संविदा आधारित यह सिलेक्शन है आपका। सिलेक्शन किस तरह से होगी, देखिए मेरिट के आधार पर ही सिलेक्शन होगी, लेकिन यहाँ पर देखिए बताया गया है सभी पदों का चयन में जो है सरकार के आरक्षण का प्रावधान का पालन किया जाएगा। शिक्षकों से कार्य इकरारनामा के आधार पर लिया जाएगा, जिसमें उसी प्रखंड के अनुसूचित जनजाति महिला, अनुसूचित जनजाति या देखिए महिला शिक्षकों तथा स्थानीय भाषा के जानकार को यहाँ पर जो है प्राथमिकता दी जाएगी। प्रखंड स्तर पर अभ्यर्थी अनुपलब्ध पाए जाने की स्थिति में जिला स्तर पर जो है उपलब्ध योग्य अभ्यर्थी से जो है चयन किया जाएगा, यानी जो
लोहरदगा जिला के अंतर्गत ही जो है यह वैकेंसी आप भर सकते हैं, यानी जितने भी कैंडिडेट लोहरदगा जिला के हैं वो आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, आवश्यकता अनुसार बीसीओ के आधार पर जो है इसमें चयन किया जाएगा। गृह जिला का ही अभ्यर्थी इसमें देखिए आवेदन कर सकते हैं, साफ साफ लिख दिया गया है इसमें। तो आपको जो है दोस्तों क्या करना है, देखिए सभी प्रमाण पत्र यथा जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, छाया प्रति सौ भी प्रमाणित करते हुए संलग्न करना आवश्यक होगा, यानी सेल्फ अटेस्टेड आपको जो है कर देनी है सभी जेरोक्स में। उसके बाद दोस्तों देखिए आपको फॉर्म भर के कहाँ पर भेजनी है, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है पूर्ण बायोडाटा एवं पासपोर्ट साइज सौ भी प्रमाणित फोटो के साथ कार्यालय समाकेति जनजातीय विकास अभिकरण लोहरदगा के पता पर केवल निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप जो है फॉर्म भर के भेजेंगे। ये देखिए फॉर्म है दोस्तों, इस फॉर्म को आपको जो है भर करके भेज देनी है। 10 अगस्त तक जो है लास्ट डेट आपका रखा गया है। तो देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में दोस्तों इसमें नहीं बताया गया डिटेल में, लेकिन जो भी कैंडिडेट मान लीजिए बी एड किए हुए हैं, ठीक है, बी एड हैं, डी एल एड वाले हैं, तो इस फॉर्म को आप आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों देखिए चतरा के सिविल कोर्ट से वैकेंसी निकल कर आई है, यहाँ पर स्वीपर पानी पांडे सब फरास माली के लिए वैकेंसी है। तो जो भी कैंडिडेट आवेदन करने के इच्छुक हैं जरूर देखिएगा वीडियो को अच्छे तरीके से, पूरा प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा किस तरह से आप आवेदन करेंगे। स्वीपर के लिए देखिए साक्षर यानी आप आठवीं पास हैं, पाँचवीं पास हैं, तो इस फॉर्म को आप आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के माध्यम से देखिए आपका जो है सिलेक्शन होगी। पानी पांडे सब फरास के लिए देखिए इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगी। दसवीं आप उत्तीर्ण हैं तो इस फॉर्म को आप आवेदन कर सकते हैं। माली के लिए देखिए दसवीं पास चाहिए, और ध्यान रखिएगा दोस्तों या फिर समकक्ष इसके बराबर डिग्री है, दसवीं के बराबर है, तो आप देकर के आवेदन कर सकते हैं। और बागवानी में 3 वर्ष का जो है कार्य अनुभव इसमें मांगी गई है। इंटरव्यू के माध्यम से देखिए आपका जो है इसमें सिलेक्शन लिया जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा इसमें आपका उम्र सीमा जो मांगी गई है 1/8/2024 के अनुसार कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष तक आप आवेदन कर सकते हैं। 14 अगस्त तक आप जो है फॉर्म भर के सेंड कर देनी है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा सो फॉर्म भर के आपको जो है इस एड्रेस पर देखिए भेजनी है। फॉर्म का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। तो दोस्तों देखिए चतरा जिला के अंतर्गत नया वैकेंसी की अपडेट का नोटिफिकेशन जारी की गई है। यह वैकेंसी चौकीदार भर्ती के लिए नोटिफिकेशन है, तो जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं आवेदन कर सकते हैं। 31 अगस्त तक जो है लास्ट डेट रखा गया है फॉर्म भरने का, ठीक है। यहां पर कुल मिलाकर 154 पदों की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। किस तरह से भरेंगे दोस्तों, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो शैक्षणिक योग्यता देखिए आप 10वीं पास किए हुए तो इस फॉर्म को आप आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा दोस्तों ध्यान रखिएगा, यानी एज लिमिट क्या रखी गई है, तो कम से कम आपका 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा देखिए जनरल वालों के लिए 35 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग के लिए देखिए 37 वर्ष है, महिला कैंडिडेट के लिए जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो 38 वर्ष है, अनुसूचित जाति जनजाति महिला पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष है, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को जो है 35 वर्ष तक आप आवेदन कर सकते हैं। दिव्यांगजनों को छूट दिया गया है, तो 10 वर्ष तक आप जो है आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा उम्र सीमा की गणना 1/8/2024 के अनुसार की जा रही है, और इसमें जो सिलेक्शन होगी आपका लिखित परीक्षा आपका लिया जाएगा। इसमें 50 अंक का लिखित परीक्षा होगा, जिसमें से दोस्तों जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित जो है प्रश्न रहेंगे। फिर शारीरिक माप लिया जाएगा, फिर दोस्तों आपका जो है दौड़ ली जाएगी 1 मील का, इसमें आपका जो है दौड़ आपको दौड़नी पड़ेगी, ठीक है। अभ्यर्थी को आपको जो है 1 मील का यानी 1600 मीटर का आपको जो है दौड़ दौड़नी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों फॉर्म आप किस तरह से भरेंगे, तो देखिए फॉर्म भरने का प्रोसेस में क्या है, तो ऑफलाइन तरीके से फॉर्म भरनी है, और फॉर्म भर के दोस्तों इस एड्रेस पर आपको जो है भेज देनी स्पीड पोस्ट के माध्यम से। दोस्तों देखिए झारखंड के देवघर जिला से वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी की गई है। यह नोटिफिकेशन चौकीदार भर्ती के लिए है। जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं 21 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो 21 अगस्त तक जो है लास्ट डेट रखी गई है। कुल मिलाकर 286 पदों की यह नोटिफिकेशन जारी की गई है। जो भी कैंडिडेट 10वीं पास किए हुए हैं इस फॉर्म को आप आवेदन कर पाएंगे। इसमें देखिए आपको परीक्षा शुल्क लग रही है 100 रुपये का, जो कि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आपको जो है पेमेंट करनी होगी,
जहाँ पर जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये है और एससी एसटी के लिए जो है 50 रुपये पेमेंट देनी पड़ेगी। परीक्षा शुल्क जो है उपायुक्त देवघर के नाम से आपको जो है डीडी बनवानी पड़ेगी। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दोस्तों आप 10वीं पास किए हुए तो इस फॉर्म को आप आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा की गणना 1/1/2024 के अनुसार की जा रही है। 18 वर्ष है ये कम से कम, अधिकतम 35 वर्ष है जनरल वालों के लिए, 37 वर्ष पिछड़ा वर्ग के लिए। महिला दोस्तों जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस 38 वर्ष है, एससी एसटी महिला पुरुष दोनों 40 वर्ष है। फॉर्म को दोस्तों आप किस तरह से भरेंगे, तो फॉर्म भर के दोस्तों आपको जो है ऑफलाइन तरीके से आपको जो है 21 अगस्त तक भेज देनी है और लिफाफे के ऊपर दोस्तों आपको ये सब लिखना जरूरी है, जैसे कि विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, बीट संख्या, ग्राम का नाम, संबंधित पंचायत का नाम, अंचल का नाम, थाना नाम, ये सब आपको लिखना जरूरी रहेगा, ठीक है। और फॉर्म भर के जो है इस एड्रेस पर आपको सेंड कर देनी है। फॉर्म का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों यह वैकेंसी झारखंड के गढ़वा जिला से निकल कर आई है, लेकिन आप किसी भी जिला से हैं तो इस फॉर्म को आप आवेदन कर सकते हैं। समरनालय गढ़वा से वैकेंसी का नोटिफिकेशन आई भी है, जो कि बाल संरक्षण सेवाएं के अंतर्गत यह वैकेंसी आई भी है। अलग अलग पदों की वैकेंसी है। सबसे पहले दोस्तों आपको हम पद दिखाते हैं क्या क्या पद के लिए वैकेंसी निकल कर आई है। तो देखिए, संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख के लिए है, परामर्शदाता के लिए है, सामाजिक कार्यकर्ता के लिए है, लेखापाल के लिए है, आंकड़ा विश्लेषक के लिए है, सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है, आउटरीच कार्यकर्ता के लिए है। इसके बाद दोस्तों देखिए, बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के अंतर्गत वैकेंसी है, जो कि सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इनके लिए जो है क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आवेदन करने के लिए, तो यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन जो है डिटेल में दी गई है। चलिए हम लोग क्वालिफिकेशन देखते हैं। देखिए, संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो देखिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए दोस्तों। सामाजिक कार्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र में आपके पास पोस्ट डिग्री है, यानी मास्टर डिग्री किए हुए हैं तो आप आवेदन कर सकेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें आप लोगों से कार्य अनुभव मांगी जा रही है। बाल कल्याण, बाल संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव है। 27,804 रुपये इसमें देखिए आपको जो है पेमेंट दी जाएगी। परामर्शदाता के लिए 30 से 45 वर्ष वाले कैंडिडेट आवेदन करेंगे, इसमें भी देखिए 30 से 45 वर्ष वाले आवेदन करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इसमें भी चाहिए दोस्तों। सामाजिक कार्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और बाल विकास क्षेत्र में जो है 2 वर्ष का कार्य अनुभव चाहिए। 18,536 रुपये पेमेंट आपको जो है दी जाएगी। सामाजिक कार्यकर्ता के लिए 30 से 45 वर्ष आवेदन करेंगे, इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए। सामाजिक कार्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और बाल विकास के क्षेत्र में 2 वर्ष का कार्य अनुभव। 18,536 रुपये आपको जो है पेमेंट दी जाएगी। लेखापाल के लिए देखिए, वाणिज्य में स्नातक यानी सो कॉमर्स में आप ग्रेजुएट किए हुए हैं और आपके पास कंप्यूटर में जानकारी है, टेली का ज्ञान है तो आप आवेदन कर सकेंगे, ठीक है। इसमें दोस्तों देखिए, सरकारी संस्थान, लोक उपक्रम, मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 3 वर्ष का जो है लेखा कार्य का अनुभव आपके पास जो है होनी चाहिए। 18,536 रुपये पेमेंट दिया जाएगा। यानी दोस्तों देखिए, सभी पोस्ट में जो है कार्य अनुभव मांगी जा रही है। किसी भी पोस्ट में जो है मतलब ऐसा नहीं है कि कार्य अनुभव नहीं मांगी जा रही, तो इसमें देखिए आपको जो है कार्य अनुभव देना पड़ेगा। आंकड़ा विश्लेषक के लिए देखिए 30 से 45 वर्ष वाले चाहिए। इसमें भी दोस्तों आपके पास जो है समाज कार्य, समाजशास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी में ग्रेजुएट की डिग्री है तो आवेदन कर सकते हैं। देखिए, संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का कार्य अनुभव मांगा गया है। 18,536 रुपये पेमेंट आपको जो है दिया जाएगा। सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर देखिए, ग्रेजुएट चाहिए, कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, हिंदी तथा अंग्रेजी में टंकन आपको आनी चाहिए, हिंदी में 30 वर्ड और अंग्रेजी में 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए आपका। और देखिए, इसमें भी आपको आपसे जो है 3 वर्ष का कार्य अनुभव मांगा जा रहा है। 13,240 रुपये पेमेंट आपको दी जाएगी। आउटरीच कार्यकर्ता के लिए 21 से 35 वर्ष आवेदन कर सकते हैं और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी 21 से 35 वर्ष। मैट्रिक पास चाहिए दोस्तों। संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का कार्य अनुभव मांगा गया है। 10,592 रुपये इसमें आपको जो है पेमेंट दी जाएगी। सहायक सा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो अभी हम क्वालिफिकेशन बताएं, इसमें सेम क्वालिफिकेशन लगी जा रही है, लेकिन इसमें देखिए आपको आपसे जो है 3 वर्ष का मतलब मांगी जा रही है कार्य अनुभव। किसमें तो देखिए, सरकारी संस्थान, लोक उपक्रम, मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 3 वर्ष का कंप्यूटर कार्य या कार्यालय में कार्य अनुभव जो है मांगी जा रही है। 11,916 रुपये आपको इसमें देखिए पेमेंट दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे, उम्र सीमा की गणना 1/8/2024 के अनुसार की जा रही है, ठीक है। इसमें देखिए मेरिट के आधार पर आपका जो है सिलेक्शन लिया जाएगा।
और आवेदन आप लोग कैसे करेंगे दोस्तों, तो देखिए फॉर्म भर के आपको इस एड्रेस पर आपको जो है सेंड कर देनी है, ठीक है। फॉर्म भर के लिफाफे में बंद करके इस एड्रेस पर आपको जो है सेंड कर देनी है। फॉर्म का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको।